नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूनिवर्सिटी की एग्जाम शुरू हो चुकी है, यहाँ तक कि यूजी के टाइम टेबल और पीजी के टाइम टेबल जारी करने भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमए, एमएससी, एमकॉम के टाइम टेबल जो घोषित होना शुरू हो चुके हैं, कहाँ से आप देख सकते हैं, एक ही वेबसाइट, एक ही वेब पेज के माध्यम से आप कैसे, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, लेकिन आपका एमए, एमएससी, एमकॉम का टाइम टेबल और जो डेट सीट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिल जाएंगी। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने ये टाइम टेबल और एग्जाम डेट सीट घोषित भी कर दिए हैं, बाकी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो आने वाले दिनों में ये टाइम टेबल जारी कर रही हैं और करने वाली हैं। देखिए, एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रीवियस और फाइनल ईयर के जो एग्जाम होते हैं और बाकी पीजी के जो सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम होते हैं, उनके सभी के टाइम टेबल आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं कि कैसे आपको ये टाइम टेबल मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 टाइम टेबल एडमिट कार्ड, टाइम टेबल और एडमिट कार्ड सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर इस ये जो पेज है इसका लिंक हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको बता देंगे कि कैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूजी के भी अवेलेबल हैं, यूजी के एग्जाम टाइम टेबल और एडमिट कार्ड भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम पीजी पे चलते हैं। ये देखिए, पीजी के जो टाइम टेबल हैं और एडमिट कार्ड हैं वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। हम एक एक करके आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहां पर देखिए, मैं एमए की बात करूँ, एमएससी की बात करूँ, एमकॉम की बात करूँ और जो भी यूजी एग्ज़ाम है, डिग्री डिप्लोमा एग्ज़ाम है, उनका भी सारा फाइनल और प्रीवियस ईयर का टाइम टेबल और एडमिट कार्ड आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, एमए के जो प्रीवियस और फाइनल ईयर के टाइम टेबल हैं 2024 के, वो उनके लिए अलग लिंक है। एमएससी के जो हैं उनके लिए यहां पर अलग लिंक है, एमकॉम है उनके लिए यहां पे अलग लिंक है, सभी के लिए एडमिट कार्ड, टाइम टेबल, प्रीवियस ईयर, फाइनल ईयर, सभी के लिए अलग अलग लिंक हैं। तो आपको कहीं पर भी कुछ भी सोचने की और कहीं पर भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन पे क्लिक करके आप देख पाएंगे कि देखिए, जैसे मुझे एमए का टाइम टेबल देखना है तो मुझे इस लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये मेरे सामने एक पेज खुल गया और यहाँ पर केवल और केवल एमए का जो कोर्स है उसका टाइम टेबल और एडमिट कार्ड सारा का सारा यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको पेज को स्क्रॉल करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस स्टेट में हो उनकी यूनिवर्सिटियों के नाम यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। आप बस आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आगे जो क्लिक हेयर का लिंक है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक हेयर का लिंक है वहां पर क्लिक करेंगे, जैसे एचपीयू का मुझे कुछ देखना है, अभी शायद ये एचपीयू की वेबसाइट नहीं चल रही, तो फिर भी हम देख लेते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी है, जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है या कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है, हम किसी भी यूनिवर्सिटी के पेज पे क्लिक करते हैं, उसके सामने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये कोटा विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपके सामने खुल चुकी है। और इसमें ये रहा स्टूडेंट कॉर्नर में ये रहा एग्ज़ाम टाइम टेबल का लिंक। इस एग्ज़ाम टाइम टेबल के लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, जैसे मैंने अभी क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद में आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। देखिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम पीजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट करना होगा।
और जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को जो भी आपकी फैकल्टी है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप अपनी क्लास सेलेक्ट करें और आपको ये इसका टाइम टेबल है वो आपके सामने मिल जाएगा। इसी तरह से आपको जैसे एमएससी का डाउनलोड करना है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या स्टेट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में उसके सामने वाली लिंक पर क्लिक करना है और जैसे मैंने प्रोसेस बताई इस तरह से आपको फॉलो करते जाना है। ऐसे ही एमकॉम का टाइम टेबल है, आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, उसके सामने लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ से आप अपना टाइम टेबल या एग्जाम डेट शीट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है एक सिंपल सा प्रोसेस जिससे आप अपने यूजी, पीजी, एडमिट कार्ड, टाइम टेबल सब के सब एक ही जगह डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमने आपको बताया कि कैसे आप एमए, एमएससी, एमकॉम के टाइम टेबल और एग्जाम डेट शीट प्रीवियस और फाइनल ईयर के एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।